सरसों तैयार हो गया है। तो किसके किसके यहाँ लगता है आप लोग ज़रूर बताइए हमको कमेंट करके। तो सरसों का उपटन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सरसों को यहाँ पे भिगो के रखा हुआ था 3 घंटे के लिए। इसके बाद ये हो गया मेरा मैंने कढ़ाई रख दिया है। उसके बाद आप लोग देखिए गैस ऑन कर दिया है, यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, ये मेरा सरसों है। तो देखिए कैसे बनता है। इसमें सबसे पहले मैं अब डालूँगी सरसों का तेल। ये हो गया मेरा सरसों का तेल, इसमें मैंने डाल दिया, बस इतना सरसों का तेल डाल दिया। सरसों का तेल गर्म हो जाए, ये हमारा यहाँ पे तेल गर्म हो गया है और ये है मेरा सरसों। तो अब इसमें डाल, तो दोस्तों देखिए अब ये मेरा गया कढ़ाई के अंदर और इसमें मैंने एक डाला है गांठ वाला हल्दी और एक चम्मच मैंने ये हल्दी डाला है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग ये उपटन लगाते हैं तो ये एक तो शरीर की सारी गंदगी साफ निकल जाती है, उस हल्दी से हमारा कलर भी साफ होता है, चेहरे पे निखार भी आता है। इसीलिए देखिए शादी जब लड़की के साथ लड़के चाहे लड़की के साथ शादी तय होती है तो 1-2 महीना पहले से ही उस उपटन को खूब लगाया जाता है कि पूरा निखार आ जाए शरीर पे, पूरा हाथ पैर पे, चेहरे पे भी इसको लगाया जा सकता है। ये तो कोई भी देखिए इसमें देखिए घर का बनाया हुआ है, कोई उसमें नुकसान नहीं करता है। और ये जब इसको इस लगाने से बहुत ज़्यादा ये हल्दी और इसमें देखिए हम लोग देख सकते हैं कि मैंने एक गांठ वाला हल्दी भी डाला, कहाँ गया इसमें हो गया। तो इस हल्दी से और ज़्यादा ये लोग आता था इसको भी मैं जब इसी ये तो ऐसे ही रहेगा और जब ये जब इसका पेस्ट बनाओगे तो फिर आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कैसे ये पेस्ट बनेगा। तो इस और फिर कैसे इसको लगाया जाता है फिर ये भी मैं इसमें आप लोग इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये कितना देर तक इसको भुनना है, कब तक भुनना है, तो आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। आप बीच में वीडियो देखिए, स्किप मत करिए। तो आप लोग ये भी जो सरसों थोड़ा सा है इसमें साइड पक गया है तो इसको भी मैं डाल दूँ। देखिए निकल गया सारा। इसके बाद भी दोस्तों तो देखिए अभी तक ये हुआ नहीं है, अभी मैं काफ़ी टाइम से इसको भून रही हूँ। अभी इसको अगर मैं जल्दी ये बंद कर देती हूँ, अगर अच्छे से नहीं भुनाएगा तो जब हम लोग उपटन लगाते तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जल्दी छूटता नहीं है, चिपकने लगता है। और फिर और जब मैं जिस तरह से बना रही हूँ एक लगाई बहुत आसानी से सारी हाथ पैर की जो गंदगी होती है, जो चेहरे की गंदगी होती है, सब गंदगी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो आप लोग ये देखिए, तो देखिए ये अब आप लोग को एक आवाज़ आता होगा चिटचिट 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 पट 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 का आवाज़ आप लोग सुनिए। तो जब ऐसा आवाज़ आता है तो समझ लीजिए कि हमारा सरसों बहुत अच्छे से भुना गया है और मेरा उपटन बिल्कुल अब तैयार हो गया है। और इसमें उसके बाद मैं अभी क्या करूँगी इसके आगे आप लोग बने रहिए कि आवाज़ आ गई तो इसका मतलब कि अच्छा सरसों भुना गया मेरा, इसके अंदर का जितना भी पानी थे वो मतलब वो सूख गए हैं और सरसों अब मेरा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। अब आप लोग देखिए इसमें अब मैं थोड़ा 2-3 मिनट और भूनूंगी और उसके बाद मैं अपना गैस बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ तो उसको देखने के लिए तो मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। नो स्किप प्लीज। ये मेरा देखिए हो गया, अब मैं अपना गैस बंद करने जा रही हूँ। देखिए अब आवाज़ आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये मेरा गैस हो गया बंद, आप लोग देख सकते हैं। अब ये थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ दूँगी।
तो ये मेरा सरसों हो गया, पूरी तरह से भुना गया। अब इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में। यहाँ पे मेरा ये निकल गया है सरसों। अब मैं इसको लेके जा रही हूँ, देखिए मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। किया, अब मैं इसको लेके जा रही हूँ छत पे। इसको अब रखेंगे दो, एक से दो घंटे के लिए, दो तीन घंटे इसको पूरा धूप में रख देंगे। देखिए धूप कितना तेज है। देखिए मैंने सरसों को धूप में रख दिया, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये देखिए आप लोग गंगा जी का दर्शन कर लीजिए। ये देखिए आप लोग हमारे गंगा जी, वाह कितना भीड़ है, सब लोग नहा हुआ रहे हैं। और गर्मियों में तो नहाने में मज़ा ही आता है। तो हम चल रहे हैं नीचे, और उसके बाद में जब अपना उपटन बनाते तब लोग से मिलते हैं। तो ये मेरा उपटन देखिए कितना बढ़िया से, मान लो सूख के कुछ सरसों का मैंने ये बना दिया है। अब ये बिल्कुल हो गया है तैयार। अब मैं इसका पेस्ट बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए पूरा धूप में रख दिया था। इसका मैं बनाने जा रही हूँ उपटन। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब इसको मैं ये बंद कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए इसका फिर फटाफट आप लोगों को पेस्ट बनाते हैं और दिखाते हैं। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा ये मेरा बन के तैयार हो गया बुकवा, सरसों का उपटन हमारा। और ये हो गया होलिका दहन की मेरी तैयारी। और ये इसको पूरा लगाया जाता है, इससे अच्छा बहुत बढ़िया हाथ पैर पूरा अच्छे से साफ हो जाता है, चेहरे पर लगाई चेहरे पर निखार आ जाता है। आप लोग भी बनाइए जल्दी से। और उससे पहले कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़ आप लोग मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और आप लोग जल्दी से फटाफट जल्दी से बनाइए और अपना लगा करके होलिका दहन में इसको इसको जलाइए। लगाने के बाद जो निकलता है उसको जलाइए। सॉरी, चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।